पीएफ डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन करना लोगों के लिए एक समस्या बन गई है, लोगों के लिए एक बवाल बन गया है, क्योंकि ईपीएफ ऑफिस ने इस फंक्शन को ऐड तो कर दिया लेकिन इसके जो इंस्ट्रक्शन है, इसके जो गाइडलाइन है उनको नहीं बताया, उनको जारी नहीं किया, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं कि उनको एग्जैक्ट डेट क्या डालनी है अपनी डेट ऑफ एग्जिट में। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जब लोग ऑनलाइन पोर्टल पर पीएफ डेट ऑफ एग्जिट को मेंशन करने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो मंथ दिखाई देता है, लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ, वो वहां पे डिफरेंट होता है, और जब वो अपनी पासबुक को चेक करते हैं तो वहां पे डिफरेंट होता है। तो ऐसे में कन्फ्यूज होना तो बनता ही है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अलग है और पासबुक में अलग है तो आपको कौन सी डेट ऑफ एग्जिट को डालना है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ के अंदर वो किस तरह से होता है, कंपनी कब हमारा पैसा जमा करती है, ईपीएफ ऑफिस के अंदर कब सबमिट होता है, कब शो होता है। एक्चुअली जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर के मार्च तक होता है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड तक होता है। हमारा जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है वो फाइनेंशियल ईयर में ही होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल महीने से होता है और एंड जो महीना होता है वो मार्च नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज आपको समझानी जरूरी थी, क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियल ईयर के बारे में नहीं समझेंगे तो आप इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी समझ नहीं पाएंगे। पीएफ का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, उसके एंड में हमें पता लगता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलना है इस अमाउंट के ऊपर, उसकी रेट क्या होगी, यानी जनवरी फरवरी में पता लगेगा। इसका मतलब यह है कि पूरा एक साल पैसा जमा होने के बाद हमें पता लगता है कि जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा। ये सारी चीजें अगर आप समझ गए हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है मंथली वो कैसे होता है, कब ईपीएफ ऑफिस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है और कंपनी कब उसको जमा करती है। अब अप्रैल महीने को पकड़ के चलते हैं, जो साल का पहला महीना है वो अप्रैल है और आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन होना है, आपका जो जितना भी बेसिक बनता है पैसा उसका 12% प्लस एम्प्लॉयर की तरफ से 12% 24% आपका ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन सबमिट होना है। तो अप्रैल महीने का जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी ड्यूटी की है, कितनी आपकी एलओपी है, कितनी आपकी छुट्टियां हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी एक भी छुट्टी नहीं है या छुट्टियां भी है तो आपकी जितनी बेसिक बनती है उसका 12 प्लस एम्प्लॉयर की तरफ से 12 24% का जो कंट्रीब्यूशन बनेगा उस अमाउंट को कंपनी नेक्स्ट महीने ईपीएफ ऑफिस के अंदर जमा करेगी। तो ईपीएफ ऑफिस के अंदर जो आपका समेशन दिखाई देगा वो अप्रैल का दिखाई देगा, लेकिन जब आप पासबुक चेक करेंगे तो आपको मई महीने का दिखाई देगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि आपको ऑनलाइन पोर्टल के अंदर जो लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ दिखाई दे रहा है और जो पासबुक के अंदर लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ दिखाई दे रहा है, उनमें से कौन से मंथ की डेट को सिलेक्ट करना है, कौन सी मंथ की डेट ऑफ एग्जिट हमें डालनी है। तो यहां पे देखिए, एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ जो मेरा दिखाई दे रहा है जुलाई 2017 है और पासबुक के अंदर ये अगस्त 2017 है। पासबुक में आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन फॉर 8/2017 यानी अगस्त 2017 में लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल पर हमें जुलाई 2017 दिखाई दे रहा है और पासबुक के अंदर अगस्त 2017 है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये अगस्त 2017 क्यों दिखाई दे रहा है। एक सॉलिड एग्जांपल और देता हूं। आपने किसी भी कंपनी में काम किया और आपने 20 तारीख को रिजाइन कर दिया वहां से। मान लीजिए आपने 20 जनवरी को ही रिजाइन कर दिया, तो 20 जनवरी तक का जो आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन बनेगा उस कंट्रीब्यूशन को कंपनी क्या करेगी, फरवरी के महीने में ईपीएफ ऑफिस के अंदर जमा कराएगी, क्योंकि पूरा मंथली कैलकुलेट होने के बाद आपकी कितनी एलओपी है, डिडक्शन कितना है, ये सब कैलकुलेट होने के बाद आपका जो ईपीएफ का अमाउंट बनता है, आपके का जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो जमा किया जाता है नेक्स्ट मंथ में। अब मैं आपको जो एविडेंस दिखाने वाला हूं उससे आपका माइंड पूरा सेट हो जाएगा, आपका जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा कि आपका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से होता है, पासबुक के अंदर आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है और ऑनलाइन पोर्टल पर आपको कैसे दिखाई देता है। ये जो पासबुक आपको दिखाई दे रही है ये मैंने करंट मंथ जनवरी 2020 की ही डाउनलोड की है, 25 जनवरी 2020 को। और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कंट्रीब्यूशन फॉर जनवरी 2020 2256 रुपये, 1016 रुपये और 1250 रुपये पेंशन के। तो रूल क्या है, रूल ये है कि हमारा जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है वो महीने का पूरा कैलकुलेट होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसमें सबमिट होता है, यानी कि फरवरी में होना चाहिए था, लेकिन हमें जो पासबुक में दिखाई दे रहा है वो जनवरी 2020 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और पेंशन का हो चुका है। हालांकि जनवरी 2020 का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर 5-6 दिन अभी बाकी हैं। आज 25 जनवरी 2020 हुआ है तो 6 दिन इसके अंदर बाकी है, लेकिन अगर हम अपनी पासबुक के अंदर देखेंगे तो जनवरी 2020 की जो हमारी
कंट्रीब्यूशन होगी, जो हमारा अमाउंट बनता है वो हमें यहाँ पे सबमिट दिखाएगा। अब कंफ्यूज होना तो बनता है, क्योंकि हमारा जनवरी मंथ का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ और हमें यहाँ पे पासबुक में जनवरी 2020 का कंट्रीब्यूशन सबमिटेड दिखा रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे जनवरी 2020 नहीं दिखाई देगा, आपको कुछ और महीना दिखाई देगा। आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, प्रूफ में मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। जब हमारा कंट्रीब्यूशन होता है तो हमारे पास मैसेज भी आता है, आप यहाँ पे देखिए जनवरी 23, 2020, यानी कि 23 जनवरी 2020 को हमारे पास मैसेज आया है कि हमारा कंट्रीब्यूशन हो चुका है। और नीचे आप जब मैसेज को पढ़ेंगे, डियर योर पासबुक बैलेंस अगेंस्ट इज ₹1,55,609, कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹3,282 फॉर ड्यू मंथ 12/2019 हैज बीन रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पासबुक के अंदर बैलेंस दिखाई दे रहा है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पे जनवरी 2020 दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ है वो दिसंबर 2019 के लिए हुआ है। अब आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर डेट दिखाई दे रही है आप उसी मंथ में से अपनी डेट ऑफ एग्जिट को चुने, और वो डेट ऑफ एग्जिट को इस तरह से चुने कि अगर आपने न्यू कंपनी के अंदर ज्वाइन किया है उस मंथ के अंदर, तो उससे पहले की एक दो दिन की डेट को आप डालें। एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए आपने 20 जनवरी 2020 को रिजाइन दिया, कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया 24 जनवरी 2020 को किसी दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लिया, तो इस केस में आपको जो ऑनलाइन पोर्टल पर आपको डेट डालनी होगी वो 23 जनवरी डाल सकते हैं, 22 जनवरी 2020 डाल सकते हैं। आपको 24 जनवरी 2020 के बाद की डेट को नहीं डालना है। अगर आप 24 जनवरी 2020 के बाद की डेट को डालते हैं तो ऐसा होगा कि आपकी जो न्यू कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग डेट होगी और आपकी जो प्रीवियस कंपनी के अंदर एग्जिट डेट होगी वो मैच नहीं करेगी, क्योंकि जो आपकी पुरानी कंपनी के अंदर जो एग्जिट डेट है वो आपकी न्यू कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग डेट से पहले होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, और जब आप पीएफ विड्रॉल करेंगे या फिर आप प्रीवियस अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आ सकता है कि आपका जो प्रीवियस अकाउंट है इज डिफरेंट विद करंट अकाउंट, हैंस यू कैनॉट क्लेम प्रोसेस। अब मैंने आपको इस वीडियो में पूरा समझा दिया है कि अगर आपकी पासबुक के अंदर मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन अलग है और ऑनलाइन पोर्टल पर आपको अलग दिखाई देता है, तो आपको ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसी के अंदर से डेट को सेलेक्ट करना है, और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको सही लगी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।